अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी देख लीजिए, आर्यन ने अपना स्टॉल जो स्टार्ट कर दिया है। तो सुबह सुबह तो जो है हम ये जनरल स्टोर का सामान लगा देते हैं यहाँ सामने और इधर, लेकिन जैसे ही जो है 3:30 होते हैं तो आर्यन जो है अपना स्टोर स्टार्ट कर देता है और इस सामान को जो है साइड में रख देते हैं। तो जिससे ये सामान भी लेना हो तो वो भी ले सकते हैं और आर्यन का भी काम स्टार्ट हो जाता है। और इसको जो है पापा और आर्यन दोनों ही संभालते हैं, ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ आर्यन से ही करा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना सिर्फ आर्यन, पापा बोल रहे थे कि मैं चाउमीन बना दूँ, लेकिन आर्यन को शौक़ लगता है। बच्चों को जो है शुरू शुरू में शौक़ लगता है, और वैसे तो आर्यन हमारा बहुत ज़्यादा मेहनती है। तो उसने बोला, वैसे तो पापा बोल रहे थे कि मैं बनाऊं, लेकिन उसको शौक लग रहा था तो फिर वो ही बना रहा है। और पापा जो है सारी चीज़ें काटा पिटी कर रहे हैं। और ये देख लीजिए, हमारे मोहल्ले के मामू हैं जो बोल रहे हैं कि मुझे जो है ये दोनों डोलचियाँ भर के जो है चाउमीन दे दो। वो दूध लेने जा रहे थे तो इसी रास्ते से जाते हैं, तो बोल रहे थे कि मुझे ये दोनों भर के चाउमीन दे दो। और पापा खड़े हुए हैं तो आर्यन जो है चाउमीन बनाकर दे रहा है, और पापा ने जो है प्याज और पत्ता गोभी वगैरह सारा कुछ काट के मतलब तैयारी करके रख दी थी। और चाउमीन जो है इकट्ठी नहीं बनाते हैं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी बनाकर रख लेते हैं, जैसे जैसे सेल होती जाती है उसके बाद फिर बना देते हैं, क्योंकि चाउमीन तो जो है गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो गुलफ़सा भी जो है आ गई हैं, बच्चों को पढ़ाने गई थी, तो अक्सरा भी गई थी और आलिया भी गई थी। और यहाँ देख लीजिए, आर्यन दिखा रहा है, तो ये है प्याज जो कि पापा ने काटे हैं, पत्ता गोभी है। तो मैं वैसे बोल रही थी कि बारीक और करो, लेकिन पापा बोलने लगे कि इतनी ही कटती है लंबी लंबी। और ये है मसाले कुछ चाउमीन में डालने के लिए, चाउमीन मसाला है और एक बहुत तीखा वाला मसाला जो अभी खोल के दिखाया था ना वाला, और ये मसाला चाउमीन मसाला है। तो यही मसाले 2-3 डालकर चाउमीन बनती है जिनसे टेस्ट आता है। और ये शायद इसको चाइना ग्रेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है सही से नाम, तो वो है। और ये है चाउमीन जो कि बॉईल करने के बाद इसमें धो कर इनको बोस करके और इसमें ऑयल लगा के रखते हैं जिससे ये चिपकती नहीं, और साथ में ये डालते हैं मैक्रोनी, इनको भी बॉईल करके रख लिया है जैसे कि थोड़ी सी मैक्रोनी। और कल से जो है इसमें डालेगा आर्यन सोयाबीन की बड़ी भी बॉईल करके रख लेगा, उनको भी ऐड करेगा, उससे जो है टेस्ट अच्छा आता है। और चिकन की भी बना सकते हैं, तो चिकन की मैं बनाऊँगी, और मतलब मैं घर में बनाऊँगी। और ये कुछ सॉस है जो डाली जाती है, ये ऑयल है और विनेगर, सोया सॉस, चिल्ली सॉस, ये सारी चीज़ डालकर बनाता है, तो सारी चीज़ वो बता रहा है। तो अभी टाइम हो गया है, शाम के 5 बज गए हैं, और बस अभी गुलफ़्सा के जो बच्चे आते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए वो आ गए हैं, तो 2 बच्चे आते हैं तो बस उनको कोचिंग पढ़ा रही है। और जस्ट अभी इनाया सोई है, ये देखिए अभी जस्ट सोई है, और वैसे वो जल्दी सो जाती है क्योंकि आज गुलासा पढ़ाने नहीं गई थी बच्चों को, जो जाती है ना 3 बजे नहीं गई थी, क्योंकि मैंने रोक लिया था, मैंने कहा था आज अपन पार्लर चलेंगे, लेकिन मैं फ्री नहीं हो पाई क्योंकि इनाया जो है आजकल 2-3 दिन से जो है बिल्ली के पास खेलने जाती है। तो आज भी वो गई थी खेलने के लिए, लेकिन बिल्ली क्या है, आज कभी कभी ऐसा होता है जानवर कभी तो खेलते हैं अच्छे से, लेकिन कभी कभी जानवर जो है हमला भी करते हैं। तो बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली से ये खेल रही थी तो बिल्ली जो है इसका हाथ को जो है मुंह में लेने लगी थी, तो अक्सर इसको लेकर आ गए। तो जब से ही जो है बस बिल्ली म्याऊं चाहिए, बिल्ली चाहिए, म्याऊं चाहिए, तो इस तरीके से रो रही है। अब इसको कैसे समझाएं कि जानवर जो है कुछ भी कर सकते हैं, मतलब काट भी सकते हैं, नाखून मार सकते हैं, लेकिन तो इसलिए मैंने फिर इसको नहीं भेजा। और जब से 1 घंटे से जो है बस रोना 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 इसका लगा हुआ था, तो बस अभी जस्ट जाके सोई है और अब हम लोग जाएंगे पार्लर, क्योंकि मैंने बोला था ना आप लोगों से वहाँ पर ही मुझे जो है अपना फेसियल कराना था और हेयर कट भी कराना था, क्योंकि बाल बहुत नुकीले हो रहे हैं, मतलब बहुत नीचे झाड़ू जैसे हो गए हैं। तो मैंने कहा थोड़े से मैं बाल भी कट करा लूँगी, और बहुत सारे कॉमेंट आते थे कि अक्सरा का हेयर कट करवाइए, अक्सरा के हेयर को सेट करवाइए। तो मैंने कहा चल तू भी साथ में चल, अपन हेयर कट जो है करवा कर आते हैं, तो साथ में हम गुलफ़्सा भी कराएगी। तो अभी हम लोग जाएंगे तीनों जन, अभी गुलफ़्सा जो है बच्चों को होमवर्क दे दे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे पार्लर, क्योंकि अभी नाया सोई है, तो अभी नाया कम से कम 2 घंटे तो सोएंगे, अगर कोई शोर शराबा नहीं होगा तो, शोर शराबा तो कोई नहीं होगा क्योंकि कोई है ही नहीं है घर में, हम तीनों चले जाएंगे। तो फिर आर्यन रहेगा इनाया के पास, और जो है पापा तो नीचे शॉप पर ही हैं,
तो चलिए आज चलते हैं पार्लर और देख लेते हैं हमारा कैसा हेयर कट होता है। फेसियल की फेसियल भी मैं कराऊंगी, अगर आज टाइम नहीं रहा तो नहीं कराऊंगी क्योंकि उसमें लगता है टाइम, तो क्योंकि और हम लोग जा रहे हैं शाम के टाइम पे, मुझे जो है वहाँ भी टाइम नहीं मिलता था, वहाँ भी मेरा काम काम रहता था और यहाँ भी मेरा काम काम, कहीं घर का काम रहता है, घर के काम से मैं जल्दी नहीं बढ़ती, तो ये बच्चे मुझे फ्री नहीं होने देते, तो मैं तो मतलब यहाँ हूँ या वहाँ हूँ मैं बिजी ही बिजी हूँ। क्योंकि इनाया जो है, आलिया कुछ नहीं परेशान करती, आलिया को तो खिला दो, तैयार कर दो, नहला दो, तो वो आराम से खेलती रहती है, लेकिन बस इनाया ही जो है मुझे बिजी रखती है। और अगर बच्चा रो रहा हो तो हमारा कुछ काम करने का या कहीं जाने का मन भी नहीं करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सो जाए आराम से तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ। तो बस अभी ये सो गई हैं तो मैं क्लासेस बोल रही, जल्दी से होमवर्क दे दे फिर चलते हैं, तो बस अभी चलेंगे। और आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है और आज मैंने बच्चों को भी नहला दिया है क्योंकि आज जो है हमारे यहाँ बहुत अच्छी धूप निकली है, तो इसलिए मैंने कहा आज गर्मी सी है थोड़ा सी, तो धूप जो है इनको नहला देती है, तो आराम से धूप में भी खेल लिए हैं और गर्म कपड़े भी पहनाए, लेकिन धूप तो निकल रही है लेकिन हवा बहुत अच्छी वाली तेज वाली चल रही है ठंडी ठंडी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को मार्केट में ही, पार्लर में ही। तो अभी जा रहे हैं हम लोग मार्केट साइकिल पे जा रहे हैं। तमन्ना मैडम साइकिल पे जा रही है, देख कहाँ है तुम आया? आज क्या मार्केट की छुट्टी है? छुट्टी? मम्मा आ रही है पार्टी में। अच्छा जी, पार्टी में ऐसे? अब दोबारा क्या हुआ? अब जा रहे हैं पार्टी में। हम जा रहे हैं बाजार और गुलाबसा को मिल गई रास्ते में साइकिल, अब गुलाबसा चलाएंगे साइकिल। तो गुलाबसा ने साइकिल चला ली है और अभी हम लोग टिक्की पानी पीकर आए हैं। इंसान जब मार्केट जाता है तो वहाँ पर पीता है, लेकिन हम जो है अपने मोहल्ले में से ही पीकर जा रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ की अच्छी लगती है, चाहे पूरे बाजार में घूम के आए कहीं की अच्छी नहीं लगती। हाँ, तो अभी पहले जाएंगे हम पार्लर, फिर उसके बाद हम जाएंगे सामान लेने के लिए दुकान का, जो कि कुछ बच्चों ने मांगा था और कुछ हम लोगों को याद आया कि हमें बूट लाना चाहिए, तो बस इसीलिए हम थोड़ा बहुत सामान और लाएंगे। तो अभी चलते हैं, फोन आ चुका है। तो बस अभी हम आ गए हैं पार्लर पे और ये पार्लर पे ही मैं जो है शादी से पहले भी आया करती थी, ये है और इसके एक सामने भी है, तो जब भी मुझे शादी या फिर जो है त्यौहार वगैरह होता था ना, तब मैं आया करती थी और मैं सिर्फ अपने बाल सेट और जो है थ्रेडिंग करवाती थी। तो बस यहाँ देख ली, सबसे पहले बैठ गई हैं अक्षरा और अक्षरा के बालों पे जैसे ही हाथ लगा है ना, तो बोलने लगी इन पे तो जो है ऑयलिंग की हुई है और इनमें कैसे कट होगा, हेयर कट किया जाएगा। तो अक्षरा ने वैसे आज हेयर वॉश भी किया था, लेकिन इसको क्या आदत है कि जैसे ही हेयर वॉश करती है उसके बाद नहाने के बाद तुरंत जो है ऑयलिंग मतलब बालों में तेल डाल लेती है। तो मैंने इससे बोला कि जब तुझसे मैंने कह दी थी कि जो है हेयर कट कराना है तो फिर क्यों डाला, तो कह रही मैं भूल गई। तो चलिए वो जो है कर रही हैं क्योंकि बाल जो है सिर्फ ज़्यादा हेयर कट वगैरह नहीं हो पाएगा क्योंकि टेढ़े मेढ़े बाल हैं और छोटे बाल हैं इसलिए। तो अभी मेरी थ्रेडिंग जो है बन गई है और बस अभी मुझे हेयर कट करवाना है, हेयर स्पा नहीं करा रही क्योंकि रात बहुत हो गया है और थ्रेडिंग बन गई है मेरी। कैसी है? पतली हो गई क्योंकि एक मेरी पतली थी एक मोटी थी इसलिए। और अब मैं बस सिर्फ हेयर कट कराऊंगी, अभी गुलाबसा का हो रहा है, अक्षरा का हो गया अक्षरा, लेकिन अक्षरा ने वापस से अपनी चोटी भाग ली है तो पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि बालों में इतनी लेंथ नहीं थी। तो ये देख लीजिए फाइनली मेरा हेयर कट हो गया है और ये देखिए मैंने जो है लाइफ में पहली बार इतने शॉर्ट बाल करवाए हैं क्योंकि मेरे बड़े टाइम से जो है मन था कि मैं अपने बालों को जो है शॉर्ट करवाऊँ क्योंकि मेरे बाल वैसे भी झड़ रहे हैं और पतले भी हो गए हैं, तो वो पूंछ सी मुझे अच्छी नहीं लगती, तो बहुत बार मैं जो है बोलती रहती थी कि मैं अपने बाल शॉर्ट करवाऊँगी शॉर्ट करवाऊँगी, और आखिरकार आज मैंने अपने बाल शॉर्ट करवा ही लिए। चलो ये भी मेरा शौक पूरा हो जाएगा, घर की खेती है फिर बढ़ जाएंगे। और गुलाबसा और आलिया बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, सब लोग बोल रहे थे कि बाजी ये क्या कर रहे, क्योंकि सब ने जो है मुझे लंबे बालों में ही देखा है, मेरे बचपन से जो है लंबे बाल ही रहे हैं, लेकिन शादी के बाद से मेरे बाल जो है झड़ना शुरू हो गए थे। तो बस अभी हम लोग जो है गए थे शॉप पर जहाँ से हमने पहले जो है जनरल स्टोर का सामान लिया था ना वहाँ पर, लेकिन वो हमें बंद मिली,
तो फिर रास्ते में ये हमें पिज़्ज़ा हट मिल गया, तो आलिया की नज़र पहुंच गई, तो आलिया बोले कि मम्मी पिज़्ज़ा खाना है और काफ़ी टाइम से नहीं खाया था इसलिए। तो फिर मैंने कहा चलो चलते हैं, तो लौटते में हम लोग यहाँ पर आ गए और हमने जो है पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिया है। तो कुछ हम पार्सल कराएंगे और एक अभी पिज़्ज़ा हम यहाँ पर ही ले लेंगे और बाकी का पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह हमने ऑर्डर कर दिए तो वो हम पार्सल करके घर ले जाएंगे, क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हमने कहा जल्दी भी जाना है क्योंकि हमें और भी शॉप से सामान लेना है। तो अभी जब तक पिज़्ज़ा वगैरह हमारा बन रहा है, हमने ऑर्डर कर दिया, तो जब तक हम चलते हैं ऊपर यहाँ पर बैठते हैं। तो हमें यहाँ पर मिल गया है एक पिज़्ज़ा हट जहाँ पर हम लोग आए हैं। हम लोग क्या, हम तो पैक करा कर ले आ रहे हैं लेकिन आलिया खा रहे हैं पिज़्ज़ा, क्योंकि आलिया को दिख गया था तो जैसे ही बोले रही, क्योंकि इतना टाइम हो गया ना यहाँ आए हुए, आलिया ने पिज़्ज़ा नहीं खाया है। तो आलिया ने जैसे ही देखा तो बोलने लगी कि मम्मी मुझे पिज़्ज़ा खाना है, और वैसे भी थक गई थी आलिया चलते चलते। पिज्जा का मन हो गया इनका खाने का, तो मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी। तो आलिया कुछ कुछ दाल से ही बनाते हैं, अभी से दो जी उसने दाल बनाया दाल भी बनाया, नॉन वेज बनता रहता है, फिर पहले बनाते थे फिर अब तो नहीं बनाया। तो एक पिज्जा भी आलिया के लिए कर लिया है और घर के लिए पिज़्ज़ा और बर्गर पैक करवा लिए हैं। तो बस आलिया यहाँ पिज़्ज़ा खा लेगी और हम लोगों को भी सामान लेना है। और जो यहाँ से हम जो है ना आए थे ना लेने सामान, लेकिन वो मिला नहीं है क्योंकि उनकी शॉप जो है ना बंद थी। तो हमने फिर लौटे और फिर हमने कहा चलो आलिया को खिला देते हैं पिज़्ज़ा यहाँ पे, और अगर इनाया भी साथ में होती ना तो बहुत ज़्यादा खुश होती। तो नेक्स्ट बार हम जो है ना इनाया को लेकर आएंगे। और यहाँ पे जो है किसी की बर्थडे पार्टी हुई है और अभी हमारा जो हेयर कट है ना हम दिखाएंगे घर जाके। तो अभी तो हमने बाल इस तरीके से ही पीछे कर लिए हैं और दुपट्टा वगैरह ओढ़ लिया है तो इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। और अक्सरा ने भी जो है ना अपनी चोटी बांध ली है, बाल कटाने का कोई फायदा नहीं है, उनका हेयर कट कराने का कोई फायदा नहीं है, उनका दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि चोटी कर ली है ना इसलिए। तो बस अभी पिज़्ज़े का ऑर्डर दे दिया है तो अभी पिज़्ज़ा खाएंगे। और आलिया जो है 8 दिन बाद, नहीं तो सीफ्री में तो जो है कुछ कुछ टाइम में ही खा लेती है जब भी हम मार्केट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है 8 दिन हो। गुलाबसा के लिए क्या है, बर्गर है, गुलाबसा बर्गर खाऊँ लेकिन हम लोग जो है घर खाएंगे पिज़्ज़ा बर्गर, सब घर के लिए पैक करा लिया, अपन खाएंगे फिर टाइम लग जाएगा, फिर वो भी दुकान बंद करके भग जाएंगे। दूसरी दुकान से भी सामान लेना है ना, तो वहाँ पे भी जाना है। हाँ अभी यहाँ पर फिर टाइम लग जाएगा, फिर वहाँ पे जाने भी जब तक बंद भी हो जाएगी। वो एक तो बंद हो चुकी है, इतनी दूर आए और यहाँ पे आकर परेशान हुए, और फिर ये भी बंद मिली, और अगर वहाँ पे भी जाएंगे वो भी बंद हो जाएगी, फिर क्या फायदा हुआ मार्केट आने का। चलो ये कि बाजी का तो हेयर कट तो हो ही है लेकिन और कुछ भी कराना था वो नहीं कराया क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। और फिर इधर के लिए जो हम जैसे अपन गए थे जब कोई भी नहीं था, आराम से खाली था, खाली था, और हम जैसे ही पहुंचे हैं वहाँ पे आते जा रहे फिर हम इधर के लिए भी देर हो रहे थे ना, शायद अभी बंद करके चले गए, हम लेट हो गए हो, शायद ये भी हो सकता है। इंतजार कर रहे हैं कब मिल जाएगा, और अभी ये लोग बहुत वेट कर रहे हैं, वो तो टाइम लगता है, वहाँ भी हम लोग बैठते हैं तो ऐसे ही टाइम लगता है क्योंकि बनाते हैं तो टाइम लग जाता है। और मुरैना में मैं फर्स्ट टाइम इस तरीके से मतलब किसी रेस्टोरेंट में या मतलब पिज़्ज़ा हट वगैरह में इस तरीके से बैठे हैं, वरना कभी नहीं हम लोग नहीं जाते। उस दिन भी अपन आए थे जब भी नहीं जाते, नहीं पड़ी थी, वो तो बेटू ने देखा है अचानक मम्मा पिज़्ज़ा हट, पिज़्ज़ा की शौकीन ने पिज़्ज़ा हट ढूंढ लिया, हमें नहीं पता था। तो अभी आलिया खाएंगे पिज़्ज़ा, जब तक हम लोग बैठते हैं पिज़्ज़ा का इंतजार करते हैं, आप लोगों से फिर मिलते हैं। तो यहाँ देख लीजिए आ गया है पिज़्ज़ा और अभी ये तीनों खाएंगे पिज़्ज़ा। और आलिया तो बड़ी खुश हो गई थी क्योंकि इसको काफ़ी टाइम बाद, मतलब काफ़ी टाइम क्या, 8-10 दिन बाद जो है पिज़्ज़ा खाने को मिल रहा है। तो पहले तो बोल रही थी मेरा मसाला मत डालना मेरे साइड, तो लेकिन उसने टेस्ट किया तो बोलने लगी हाँ डालो डालो, तो बस पूरे पे यहाँ पे मसाला डाल रही है गुलाबसा। और अभी पिज़्ज़ा खाने के बाद फिर हम लोग बोलने लगे कि मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं था, मैंने कहा था मैं घर पर ही खाऊंगी,
जब सभी लोग खाएंगे ना तब मैं खाऊंगी। तो बस यहाँ पे अभी ये तीनों जन खा रहे हैं और हम लोग लेंगे आइसक्रीम, लेकिन घर पे नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि फिर इनाया मांगेगी तो थोड़ा डर लगता है सर्दी के टाइम पे। तो आइसक्रीम खाने का सिर्फ हम तीनों का डिसाइड था, लेकिन आलिया बोलने लगी कि मैं भी खाऊंगी। तो फिर जो है आलिया को भी जो है वेनिला कप दिलाया। तो बस अभी पिज़्ज़ा खा लिया है, तो अभी मैं आई हूँ आइसक्रीम के लिए यहाँ पे कि हमें कौन सी आइसक्रीम चाहिए। तो मुझे कुल्फ़ी दिख गई थी तो गुलकंद वाली, तो मैंने कुल्फ़ी ली है और अक्सरा ने भी कुल्फ़ी ली है, और जो है आलिया ने वो सॉरी गुलफ़्सा ने ली है ये मैंगो वाली। तो गुलफ़्सा ये मैंगो खाएगी और आलिया का तो हमारा रहता ही है कॉमन है उसका तो वेनिला कप। तो ये हो गया आलिया का। तो बस अभी हम तीनों बहनें और चौथी आलिया करेंगे एंजॉय आइसक्रीम को। तो गुलफ़्सा ने जो है मेरे हाथ में मैंगो की रख दी थी, तो मैंने कहा था नहीं मैं कुल्फ़ी लूँगी क्योंकि मुझे कुल्फ़ी अच्छी लगती है, घर पे भी मैं ज़्यादातर जो है कुल्फ़ी ही लाती हूँ। तो ये है रोज़ कुल्फ़ी, पहले मैंने सोचा था गुलकंद की थी लेकिन ये रोज़ कुल्फ़ी निकली। और ये देखिए अब हम लोग जो है खा पी कर आ गए हैं बाहर और हमने अपना जो पार्सल था वो भी ले लिया है। तो अभी एक शॉप तो बंद मिली, अब हम दूसरी शॉप पर जा रहे हैं जहाँ से हमें प्लास्टिक का सामान लेना था। तो हमने वहाँ पे ऑर्डर किया था लेकिन वो लेकर नहीं गए थे, तो फिर हमने सोचा चलो वहाँ से सामान नहीं लिया है तो वहाँ से लेकर चलते हैं। तो बस अभी हम प्लास्टिक का सामान लेंगे शॉप के लिए और फिर हम उसके बाद घर जाएंगे। तो रास्ते में यहाँ पे ये मिलती है लेस की दुकान और कपड़ों की दुकान, जहाँ से मम्मी जो है नेट कपड़े और ब्लाउज के पीस वगैरह ले जाया करती थी, और ये लेस वगैरह भी। तो ये भी शॉप पर रखे हुए हैं कपड़े वगैरह सारे कुछ। तो गुलफ़्सा जो है यहाँ पे लेस देख रही क्योंकि लेस जो है कम हो गई थी इसलिए। तो बस अभी हम लेस और प्लास्टिक का सामान जो है लेकर, लेस नहीं ली थी क्योंकि सही प्राइस नहीं लगाई थी इसलिए। तो बस अभी हम लोग घर आ गए हैं और यहाँ देख लीजिए चलिए बच्चों की मस्ती। और इनाया जो है सो गई थी, सो के उठी तो इन्होंने देख लीजिए क्या पहन लिया है, आलिया की फ़्रॉक। और बस आलिया ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि वो हाथ धो रही थी तो उनकी टी शर्ट जो है गीली हो गई थी, और सर्दियों में बच्चों को अगर कपड़े ज़रा भी गीले हो जाए तो फ़ौरन जो है चेंज कर देना चाहिए, तो इसीलिए मैंने चेंज कर दिए थे। और बस अभी ये आर्यन जो है मस्त आ रहे हैं। और इनाया जो है इसी तरीके से करती हैं, उनके मामू लेट जाते हैं और उनके ऊपर जो है तकिए गिराती हैं बार बार। तो आप लोग बताना कि मेरी हेयर कट जो है कैसी लगी। तो यहाँ देख लीजिए ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे जो है गुलफ़्सा अपनी हेयर कट दिखा रही है, गुलफ़्सा कह रही हूँ अक्सरा, क्योंकि रात हो गई थी तो फिर रात के टाइम पर नहीं दिखा पाई थी। और यहाँ देख लीजिए उसके हेयर कट कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहले उसके बाल जो है बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े थे लेकिन अब जो है सही हो गए और एक सी कट हो गई, तो अब बाल भी जो है सही से आएंगे। और उसने अपने बालों को जो है आगे से भी कट कराया तो अच्छे लग रहे हैं, उस पर खिल रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा अक्सरा का हेयर कट, और यहाँ देख लीजिए गुलफ़्सा का, लेकिन गुलफ़्सा का आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि उसने सिर्फ नौके छटवाई हैं अपनी, सेट करवाए सिर्फ। तो ऐसा होता है, मैं भी पहले ऐसे ही कर देती लेकिन अब मैंने पहली बार ऐसा हेयर कट लिया है। तो आप लोग बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।